वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। इंदौर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम की सूचना देने वाले व्यक्ति को जहां कांग्रेस ने इनाम की घोषणा की थी, तो वहीं अब राशि की घोषणा करने के साथ ही अक्षय कांति बम के कई जगहों पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार अलग अलग तरह से अक्षय कांति बम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से पोस्टर लगाकर इनाम की घोषणा की है, उसके बाद पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों 17 साल पुराने मामले में अक्षय कांति बम के खिलाफ धारा 307 की धारा में खजराना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, तो वहीं उन्हें 10 मई को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अक्षय कांति बम कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उसके बाद ही कांग्रेस इस पूरे मामले में अक्षय कांति बम को लेकर आक्रामक हो गई है और अलग अलग तरह से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने धारा 307 का अपराधी मुलजिम अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 5100 रुपए के नगद के इनाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने बकायदा फरार आरोपी अक्षय बम का पोस्टर जारी कर जगह जगह शहर और 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर चिपकाए हैं। आपको बता दें कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार और धारा 307 का आरोपी मुलजिम अक्षय कांति बम, जिसने कांग्रेस पार्टी की पीठ पर छुरा घोपा, इस धोखेबाज को गिरफ्तार करने और पुलिस का सहयोग करने के लिए 11 बजे निगरानी उड़न दस्ते के द्वारा फरार आरोपी अक्षय कांति बम के पोस्टर जारी किए गए। ये पोस्टर सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहनों पर चिपकाए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहे, पलासिया चौराहा, तिलक नगर, एसओजी लाइन, यशवंत रोड, यानी कि इंदौर के जगह जगह ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। फरार अक्षय बम के इनाम वाले पोस्टर बड़ी संख्या में शहर और वाहनों पर लगातार निगरानी उड़न दस्ते द्वारा चिपकाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर देवेंद्र सिंह का कहना है कि सेशन कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। निचली अदालत द्वारा उसके और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाए जाने के बाद अक्षय बम का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है, तो अक्षय कांति बम को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? दार धोखेबाज, कांग्रेस के साथ धोखा करने वाले 307 के आरोपी, फरार आरोपी अक्षय बम जो कि फरार है और 307 का खजराने का थाने का आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए, सहयोग के लिए, पुलिस के सहयोग के लिए जो भी हमको सूचना देगा उनको, उस सज्जन को 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जाएगा। यह उसका एक पोस्टर जो है जारी किया गया है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सर्वटे स्टैंड, लाबरा बेरू, पलासिया, तिलक नगर, एमआईजी लाइन, एमओजी लाइन, टावर चौराहा के साथ ही रिक्शों के ऊपर 4 पहिया वाहन और एटीएम पर के साथ ही कई जगह उसके पोस्टर लगाए गए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से अक्षय कांति बम के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके परिणाम किस तरह से सामने आते हैं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।